हेलो वेलकम यू ऑल गाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। तो इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो इलिमिनेशन के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ इलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका जो है बीटा इलिमिनेशन का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये रिएक्शन काम कैसे करता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपको एक सब्सट्रेट अवेलेबल, और सब्सट्रेट के साथ क्या चाहिए आपको, बेस। ध्यान रखना, सब्सट्रेट के साथ आपको क्या चाहिए होगा, एक बेस चाहिए होगा, और ये आपका क्या है, सब्सट्रेट। एंड बेस इज एक्ट एज अ रीएजेंट। तो यहाँ आपका जो बेस है वो कैसा काम करेगा, रीएजेंट के तरह। और बेस के बारे में आप जानते हो, बेस दुनिया में किस लिए आता है, कहीं से भी उसे हाइड्रोजन मिले, राइट, वो हाइड्रोजन को खाने के लिए दुनिया में आता है। तो ये जो इस मैकेनिज्म से हम समझते हैं, होता क्या है कि ये जो बेस है, जिस कार्बन पे आपको लिविंग ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगा हो, उसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। दैट मीन्स दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर बीटा कार्बन। तो इसको हम लोग बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो बीटा कार्बन है, वहां से हाइड्रोजन को क्या करता है, बेस आके निकालता है। इसके बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है इस तरफ मूव करेगा, कार्बन की तरफ, और ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर, राइट, आप ट्रांजिशन स्टेट में देख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड लाइक कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा, जिसके वजह से एक्स जो यहाँ आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ हमें फोकस कर रखना है, वो ध्यान रखना है कि आपका जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, कोप्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, ताकि ऑर्बिटल्स का क्या हो पाए, ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाए। अगर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अगर आपका प्लेनर नहीं होगा, तो इलिमिनेशन क्या हो जाता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे देख रहे हो कि हाइड्रोजन इस साइड है, तो ये एक्स क्या है, उसके अपोजिट साइड है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनरिटी है, लेकिन क्या, एंटी इलिमिनेशन है। क्या है, एंटी इलिमिनेशन है। अगर यही एक्स हाइड्रोजन के ही साइड रहता, तब उसको क्या बोलते हैं, सिन इलिमिनेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये तीनों बॉन्ड, सिन हो या एंटी हो, हमेशा ही कोप्लेनर होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का स्मूथ फ्लो यहां से यहां तक हो पाएगा। कि बेस अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को, और ये जो फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये किसके तरफ आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में, और यहां जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेवलप होगा, ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर के तरफ निकाल देगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको पता है किस डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ इस तरह से। और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो तभी स्मूथली पॉसिबल है जब वो तीनों के तीनों बॉन्ड्स क्या हो, कोप्लेनर हो, क्या हो, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हो। और उसके बाद क्या होगा, बेस यहां से हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा, एक डबल बॉन्ड डेवलप होगा, और लिविंग ग्रुप इधर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आप यहां पे देख सकते हो। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि ये सबसे पहला क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। तो अब यहां से एनर्जी डायग्राम को देखो, ये एनर्जी आपका किसका, रिएक्टेंट, या आप क्या बोल सकते हो, सबस्ट्रेट का। जैसे ही बेस उसको अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करना होगा, इसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी, राइट। इस एनर्जी को आपको पता है क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी जैसे ही हाई होगा, जो कि ये आपका यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट में जाने के बाद बेस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, और ये एक बॉन्ड क्या होगा, इधर निकल जाएगा। तो फर्दर वो एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी, और कहाँ चली जाएगा, प्रोडक्ट में, राइट। तो ये क्या होता है, वन स्टेप रिएक्शन होता है, बस सिंगल ट्रांजिशन स्टेट से क्या करता है, पास करता है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि इस रेट में क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो सब्सट्रेट है और दूसरा क्या है, रिएजेंट है। दैट मीन्स इस रिएक्शन का अगर हमें रेट लिखना हो, आप केमिकल काइनेटिक्स को जानते हो, तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता है कि के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं। तो रिएक्टेंट्स में अपने पास क्या, सब्सट्रेट और बेस दोनों, और सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसलिए दोनों इन्वॉल्व होगा। तो यहां से बता सकते हो, नहीं पूछे तो क्या, वन और वन है। तो दैट मीन्स इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर ऑर्डर टू हो तो जनरली मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है रिएक्शन की, वो भी क्या होती है, टू ही होती है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाय मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन या स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्लीटली डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। नाउ अगर एनर्जी डायग्राम को हमने देख लिया कि एनर्जी डायग्राम किस तरह से होता है, ये सिंगल ट्रांजिशन स्टेट से पार करता है। नाउ इस तरह के रिएक्शंस हम जनरली बात करें तो किस तरह के मॉलिक्यूल शो करता है, या तो आपके पास एल्काइल हैलाइड होगा, या फिर इन केस ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल इस तरह के मैकेनिज्म को तब फॉलो करेगा जब यहाँ OH क्या होगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, राइट। तो एक्स के जगह हम OH लगाते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, प्रोटोनेटेड OH ग्रुप होना चाहिए। तो अब जनरली हम देखते हैं कि कौन सारे फैक्टर्स हैं जो E2 रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि E2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा,
तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट अगर आपका 3 डिग्री है या 2 डिग्री है तो आपके क्या होंगे E2 रिएक्शन मैकेनिज्म के होने के चांसेस क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। लेकिन अगर 1 डिग्री RX है तो इस केस में अगर आपको इलिमिनेशन कराना है तब आपको रखना होगा क्राउडेड बेस। क्या रखना होगा, क्राउडेड बेस, राइट, एक लार्ज बेस, तभी जाके आप 1 डिग्री RX के साथ इलिमिनेशन करा सकते हो। नहीं तो 1 डिग्री RX के केस में आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और वो क्या फॉलो कर ले अगर हम लोग क्राउडेड बेस ना रखें, ये जनरली SN2 मैकेनिज्म में चला जाएगा, अपना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 3 डिग्री और 2 डिग्री के केस में अगर अपना बेस हाई कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग और नॉन पोलराइजेबल रहे तो इजीली ये E2 मैकेनिज्म में क्या होता, चला जाता है। लेकिन अगर अपना बेस क्राउडेड नहीं रहा और तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री RX के केस में SN2। तो ध्यान में समझ में आ गया कि 3 डिग्री और 2 डिग्री के लिए बस हमें क्या रखना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस हाई कॉन्सेंट्रेशन में रखना है तो आपका यहाँ पे इलिमिनेशन हो जाएगा। लेकिन 1 डिग्री के साथ अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हाई कॉन्सेंट्रेशन में रखने से ही आपका इलिमिनेशन नहीं होगा, वहां पे आपको कोई ना कोई क्राउडेड बेस यूज करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ध्यान रखना कि इन जनरली जो बेस यूज किया जाता है आपको आयनाइज्ड बेस या आयन्स के फॉर्म में, राइट, जैसे आपके पास इथॉक्साइड आयन है उसको किसमें यूज करते हैं, इथेनॉल में। कहाँ यूज करते हैं, इथॉक्साइड आयन इन इथेनॉल, या टर्ट ब्यूटॉक्साइड जो कि आपका एक क्या है, क्राउडेड बेस है, राइट। तो यहाँ 1 डिग्री RX के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। टर्ट ब्यूटॉक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, टर्ट ब्यूटेनॉल में यूज करते हैं, राइट गाइस। तो आपको समझ में आ गया, इनको बहुत बार ना अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH बोला जाता है। जनरली क्या होता है, अल्कली मेटल्स को हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, इस मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं। तो बेस के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा कि बेस कैसा होना चाहिए। नाउ टेम्परेचर, ध्यान देखिए, अगर हम लोग लोअर टेम्परेचर पर रिएक्शन कराते हैं तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली क्या होता है, फेवरेबल होता है। तो रिलेटिवली अगर आपको इलिमिनेशन कराना हो तो आपको एरो पे देखिएगा, मोस्टली ये डेल का सिंबल होगा, या जनरली टेम्परेचर 55 टू लेके 100-200 डिग्री सेल्सियस तक भी ले जाता है। तो जितना एलिवेटेड टेम्परेचर रखेंगे अपना क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो आपको टेम्परेचर का कंडीशंस भी ध्यान रखना है। अगर एरो पे डेल्टा दिया हुआ है तो दैट मीन्स आप मोस्टली श्योर रहो कि आपका क्या होगा, इलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। अगर एरो पे डेल्टा नहीं दिया हुआ, हीट मेंशन नहीं किया गया है, या रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन की भी पॉसिबिलिटी है। नाउ नोट में आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग इलिमिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, बेस जाता है हाइड्रोजन को लेके जाता है, तो कहाँ से हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो उस केस में अपना काम आता है कौन सा, सेट जेफ रूल, और इसको हम लोग जेट सेव, ये एक रशियन केमिस्ट थे, इनके नाम को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, सेट जेफ, जेट सेव, या बहुत बार अलग अलग तरीके से भी आप देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दैट मीन्स एल्कीन के ऊपर जितना सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। दैट मीन्स एल्कीन जितना स्टेबल बनेगा उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी, प्रोडक्ट बनने के चांसेस हाई रहेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आप जानते हो, हाइपर कंजुगेशन से डिसाइड करते हैं। अगर आपने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नहीं पढ़ा है तो आप हाइपर कंजुगेशन वाली वीडियो को जाके चेक कर सकते हो, जहां से मैंने डिटेल्स में बताया है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती क्या है। तो दैट मीन्स हमको सिंपली रूल ध्यान रखना है, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और मोर स्टेबल एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दैट मीन्स सिंपल रूल में क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल या एच प्लस को हमें, या हाइड्रोजन को वहां से हटाना है जिस कार्बन के पास क्या हो, कम हाइड्रोजन हो, मतलब जो कार्बन हाइड्रोजन के मामले में गरीब हो उसको और क्या कर देना, गरीब बना देना। जितना कम हाइड्रोजन रहेगा वहां से वो क्या करेंगे, हटाना। हटाने के बाद वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल हो। बट कहीं कहीं पे ये रूल्स आपके फॉलो नहीं होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो जिसको हम समझते हैं। तो ये जो है आपको सेट जेब रूल के कुछ एक्सेप्शन है। पहला केस आपको देखता है क्राउडेड बेस, अगर अपना क्राउडेड बेस है तो वो क्या करता है कि इनर हाइड्रोजन को निकालने में उसको डिफिकल्टी होती है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए ये क्या करता है कि बाहर वाले हाइड्रोजन को ही क्या करता है, लेके बाहर चला आता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल एक लिख देता हूँ कि आपको इससे बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहाँ पे एक और कार्बन है। मान लीजिए यहाँ पे आपको एक्स लगा हुआ है, तो यहाँ पे पता है कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना होगा, 3 हाइड्रोजन होगा।
यहां पे भी आपको पता है एक हाइड्रोजन होगा और यहां पे फिर से कितना हाइड्रोजन होगा, तीन हाइड्रोजन होगा। तो अगर मैं इस बेस को यूज करता हूं तो उसको यहां तक 2 डिग्री के केस में, या मान लीजिए मैं यहां पे एक और CH3 लगा देता हूं, तो यहां से हाइड्रोजन हटाना इस बेस के लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि खुद काफी क्राउडेड है। तो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी पढ़ा है कि अगर बेस बहुत ज्यादा, अगर ये ग्रुप बहुत ज्यादा क्राउडेड, यहां पे क्राउडनेस अवेलेबल हो, तो इस सेंटर तक क्या होता है, बेस या न्यूक्लियोफाइल पहुंच नहीं पाता। तो इसलिए ये क्या करता है कि आपके पास दो बीटा कार्बन है, एक यहां पे है और एक बीटा कार्बन, और ये आपका अल्फा कार्बन है। तो आप दो जगह से हाइड्रोजन हटाने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम सेट जेब की माने तो हमें यहां से हाइड्रोजन हटाना चाहिए, बट अपना बेस क्राउडेड है इसलिए वो इस हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, यहां से आएगा और इस हाइड्रोजन को हटाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड अंदर मूव करेगा और लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड ही क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन केस ऑफ क्राउडेड बेस। नाउ अगर आपके पास कहीं कंजुगेशन पाई बॉन्ड के साथ अवेलेबल हो, जैसे इस कार्बन को हम देखते हैं, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया, तो पता है यहां एक हाइड्रोजन होगा और यहां कितना हाइड्रोजन होगा, यहां पे दो हाइड्रोजन होगा। तो सेट जेब के अनुसार से हमें यहां से हाइड्रोजन हटाना चाहिए, बट ये 3 डिग्री कार्बन है, राइट? तो यहां क्या होगा, क्राउडनेस बहुत ज्यादा रहेगा। तो अगेन यहां से क्या होता है कि अगर हम यहां से हटाते हैं तो ये पाई और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पाएगा। अगर मैं यहां से हाइड्रोजन हटा देता हूं, देखिए ये दोनों पाई बॉन्ड अब कहां जा सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है, राइट? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस केस में अगर कहीं आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जा रहा है पाई बॉन्ड बनाने के बाद, तो इस कंजुगेशन के केस में आप कहां से हटाओगे, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। दैट मींस मेजर चीज हमको क्या ध्यान रखना है इस केस में, स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो वही अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। उसके अलावा जो तीसरा एक्सेप्शन है वो है ब्रेडिट्स रूल के भी नाम से आप जानते हो कि अगर आपको बायसाइक्लो कंपाउंड है, यहां ध्यान से देखिए, ये आपका अल्फा कार्बन है जहां पे एक्स लगा हुआ है, ये आपके पास बीटा कार्बन है और यहां पे एक बीटा कार्बन है, तो यहां पे देखिए एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि तीन बॉन्ड है और यहां पे दो हाइड्रोजन होगा। तो इस केस में हम लोग कहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, तो हमेशा ही बोला जाता है कि ब्रिज हेड पोजिशन पे आप डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हो, राइट? इसके पीछे होता है काम, इसका एंगल स्ट्रेंथ फैक्टर काम करता है। तो आप ब्रेडिट रूल्स को आगे डिटेल्स में मेरे प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हो। तो इस केस में हम लोग हाइड्रोजन कहां से हटाएंगे, यहां से। दैट मींस ये क्या बनेगा, एंटी सेट जेब प्रोडक्ट। दैट मींस अपने पास इस तरह की बॉन्डिंग अवेलेबल होगी। तो ये तीन मेजर एक्सेप्शंस को आपको ध्यान रखना है जब भी आप E2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हो, कि अगर क्राउडेड बेस हुआ, या फिर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी है, या फिर बायसाइक्लो कंपाउंड है, तो वहां पे आपको ब्रिज को ध्यान रखना है कि ब्रिज के पास आपको डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं करना है। तो राइट गाइज, तो ये था अपना बेसिक की किस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो होता है। तो इसमें मेनली दो तरह के रिएक्शन जो इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं वो होता है आपका एल्काइल हैलाइड, मोस्टली जो है आपका 3 डिग्री या 2 डिग्री क्या होंगे, SN। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो राइट, ये किस तरह के रिएक्शंस में जाता है, SN1 के केस में। लेकिन अगर हम इलिमिनेशन की बात करें तो ये जनरली किस तरह के मैकेनिज्म में जाएगा, E2 मैकेनिज्म। बहुत बार आपको कंफ्यूजन होगा E1 मैकेनिज्म से, तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको E1 और E2 के बीच में एक कंपैरिजन में दिखाऊंगा कि कहां पे आप E1 कराओगे और कहां पे E2 कराओगे। तो आई होप गाइज कि आपको एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि बायोमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग किस केस में कराते हैं। तो थैंक यू गाइज।